केले के घुन को नियंत्रित करना। दुनिया भर में लोग केले का उपयोग करते हैं खाना बनाने, भूनने और पेय पदार्थ के लिए, फलों के छिलके और तने के कटे हुए टुकड़े पशुओं के लिए भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। लेकिन केले के पौधे का एक बड़ा दुश्मन है, केले का घुन। ये एक लंबा काला कीड़ा होता है जिसकी एक लंबी घुमावदार थूथन होती है। केले के घुन के हमले वाले पौधे धीरे धीरे बढ़ते हैं और छोटे फलों का उत्पादन करते हैं। फिर हम सीखेंगे कि केले के खेत में केले के घुन को कैसे नियंत्रित किया जाए। मादा घुन अपने अंडे केले के तने के तले के अंदर जमीन से थोड़ा सा ऊपर कॉर्म के ऊपरी हिस्से में या कटाई के बाद कटे हुए तनों में देती है। घुन के अंडे फूटकर लार्वा या ग्रब्स बनते हैं जो कि कॉर्म्स और तने में सुरंग बना देते हैं। ये सुरंगें तने में पानी और पोषक तत्वों के प्रवाह में रुकावट पैदा करती है जिससे केले की सामान्य वृद्धि रुक जाती है। जैसे जैसे घुन के लार्वा आकार में बढ़ते हैं वो तने में बड़ी सुरंगें बनाते हैं जो आखिरकार कॉर्म के पास मिट्टी में पोटा बनाने के लिए निकलती हैं। सुरंग तने को कमजोर करती है जिससे ये तल से या बीच से टूट सकता है। 5 से 7 दिनों के बाद पोटा छोटे घुन में बदल जाते हैं। ये देखते हुए कि केले की घुन कैसे विकसित होती है, हम कैसे बता सकते हैं कि हमारे खेत में केले की घुन है। घुन द्वारा हमला किए गए केले के पौधे पर छोटे गुच्छे होते हैं। जब घुन ने आपके पौधों पर हमला किया होता है तो आप पत्ते के खोल को विभाजित भी देख सकते हैं। तने और कॉर्म में सुरंगें होंगी और कॉर्म और तने अक्सर आपस में टकराते रहते हैं।